हमारे साथ मौजूद है MIC सदस्य जीतू यादव। आज यहाँ पर चुनाव परिणाम आ रहे हैं, इंदौर में एक तरीके से शंकर ललवाली ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है पिछली बार का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शंकर भी हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार थे सांसद के, पिछली बार का भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति वापस से इंदौर के जनता ने विश्वास बनाया है, आशीर्वाद दिया है। मैं रेड न्यूज के माध्यम से पूरे इंदौर शहर की जनता को धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया है, हमारे शंकर भैया पे विश्वास जताया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पे विश्वास जताया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूरे देश में एक बार वापस से प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। तो मैं रेड न्यूज के माध्यम से सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मध्य प्रदेश में इस बार जो है क्लीन स्वीप 29-29 पे भाजपा जो है काबिज होने वाले ही, अभी तक जो रुझान जो देखने को मिल रहे हैं, और कमलनाथ ने भी अभी तक अपनी जो है हार स्वीकार कर ली एक तरीके से, तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा फेरबदल है, और इसका श्रेय जो है भाजपा की पार्टी भी, साथ ही जनता भी जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को दे रही है, तो इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कैलाश जी हमारे देश के बड़े नेता हैं, निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा सीट के वो प्रभारी भी थे, और कांग्रेस के पास तो एक ही रोना था। अभी आप देखना, आप न्यूज के माध्यम से पता लग जाएगा कि EVM में था, वो था, सिर्फ एक चीज 28 तो हमारे पास पहले भी थी, एक छिंदवाड़ा को लेकर वो कहीं ना कहीं तंज कस रहे थे, क्योंकि पूर्व CM हमारे कमलनाथ जी का गढ़ था, वो नकुलनाथ जी वहाँ से सांसद थे, पर वो सीट भी अब उनके हाथ से चली गई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं, मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, और ये उसी के परिणाम है कि 29-29 सीट भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में हासिल की है। इंदौर में जो एक बड़ा फेरबदल हुआ था, जो है कांग्रेस के प्रत्याशी भाजपा में शामिल हो गए थे, उसका असर कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि नोटा में भी जो है इंदौर देश में नंबर वन हो गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में सबको अपना अपना अधिकार है वोट डालने का। कहीं ना कहीं कुछ लोग खुश थे तो कुछ चंद लोग नाखुश भी थे, उसी का परिणाम है कि लोगों ने नोटा में अपना वोट दिया है। अगली बार से अगर ऐसा कुछ होगा तो उस पर हमको भी सोचने की ज़रूरत है, निश्चित तौर पर विचार करने की ज़रूरत है, हम इस पर विचार जरूर करेंगे। आज शाम को जश्न किस प्रकार से रहेगा, क्या माहौल रहेगा, किस प्रकार से पार्टी जो है विजय जुलूस हमना मनाने वाली है? देखिए, पूरे देश में जश्न का माहौल है, पूरे देश में मोदी में एक बार वापिस से भारतीय जनता पार्टी की। इंदौर हमेशा से रिकॉर्ड बनाता है, कुछ ना कुछ नवाचार करता है, तो क्या इंदौर में कुछ पार्टी? इंदौर जाना ही नवाचारों के लिए जाता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था, इंदौर एक दौर है, वो हमेशा नए दौर की ओर बढ़ता रहता है। तो निश्चित तौर पर हमारे मुखिया आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो प्लान बना रखा है कि रात को हम ऐसा जश्न मनाएंगे, उसमें सब लोग शामिल होंगे। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि रेड न्यूज वाले भी आए, आप और हम सब मिलकर इस जश्न को मनाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ जो है इस बार भी नवाचार इंदौर जश्न के माहौल में होने वाला है, वो एक सरप्राइज है, वो शाम को ही जाहिर होगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ MIC सदस्य जीतू यादव, जिन्होंने बताया कि इस बार मध्य प्रदेश में जनता ने जो है पूरी तरीके से लोकसभा चुनावों में भाजपा पर विश्वास जताया है। एक जो कमलनाथ का गढ़ कहलाने वाली सीट थी सालों से, उसको भी जो है इस बार भाजपा ने अपने कब्जे में कर लिया है, और वहाँ पर नकुलनाथ को जो है करारी हार का सामना करना पड़ा है। साथ ही नोटा को लेकर उन्होंने कहा है कि कुछ लोग सपोर्ट में रहते हैं तो कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं, उसका असर ही यह रहा कि इस बार नोटा को जो है इतने ज़्यादा रिकॉर्ड मत मिले हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने जो है जीत की तैयारियाँ कर ली है, और शाम को कैलाश विजयवर्गीय जो कि मंत्री है और काफ़ी बड़े नेता है हमारे देश के, उन्होंने इस बार जश्न को लेकर भी कुछ तैयारी कर ली है जो कि सरप्राइज़ है, और वो शाम तक जीत के बाद नतीजों के बाद जो है सामने आ जाएगी। कैमरामैन विशाल के साथ निकिता रघुवंशी, रेड इंडिया 24, इंदौर।